हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एट कॉन्सेप्ट कोचिंग क्लासेज। आज हम फिफ्थ चैप्टर समांतर श्रेणी स्टार्ट कर रहे हैं। समांतर श्रेणी में हमारे दो टॉपिक है, एनवा पद या व्यापक पद याद करना और दूसरा है एन पदों का योगफल याद करना। इन दोनों को पढ़ने से पहले हमको समांतर श्रेणी समझना है कि समांतर श्रेणी होती क्या है। इस क्वेश्चन के जरिए हम समांतर श्रेणी को समझेंगे। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर वन। जांच कीजिए निम्नलिखित श्रृंखला समांतर श्रेणी है या नहीं। यदि है तो पहला पद व सार्वंतर याद करें। तो क्वेश्चन नंबर वन करते हैं इसमें अपन। फॉर एन 16 22, चार पद अपने को दिए हुए हैं, 4 10 16 22। इसका हमको पता लगाना है कि पहले ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो ये कैसे पता लगेगा कि इन दो टर्म्स के, दो पदों के बीच में जो डिफरेंस है, अंतर है, वो समान होना चाहिए सबका। तो करते हैं कैसे निकलेगा। a2 - a1, a2 क्या है मेरा 10, माइनस a1, a1 क्या है मेरा 4, दोनों का जो अंतर आया वो आ रहा है 6। a3 - a2, 16 - 10, दोनों का अंतर जो आया वो भी 6 आया है। a4 - a3, 22 - 16, तो 6 अंतर। तो ये हमारे जो कॉमन डिफरेंस साल अंतर है वो क्या है, 6। तो इससे पता लगता है कि किसी भी श्रेणी, कोई भी जो श्रृंखला दी हुई है, उनमें जो पदों के बीच का जो अंतर है वो अगर समान है तो समांतर श्रेणी में है। तो अब ये हमारी समांतर श्रेणी में, तो हमारा पहला पद याद करते हैं। पहला पद को हम ए बी बोलते हैं। पहला पद क्या है अपना, 4 है, साफ साफ लिखा हुआ है। सार्वंतर क्या बोलते हैं, डी। डी क्या होगा अपना, 6, क्योंकि सबके बीच में अंतर कितना है, 6। तो ये हमारा पहला पद सार्वंतर निकल गया और इससे हमने पता भी लगाया कि समांतर श्रेणी है या नहीं। चलो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है -2 2 -2 2 एंड -2, पांच पद है। तो पहले तो हम इसका पता लगाते हैं कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं। a2 - a1 करते हैं। 2 - -2, माइनस और माइनस प्लस, और प्लस होने का 2 + 2 कितना हो जाएगी, 4। a3 - a2 - 2 - 2, साइन सेम है तो ऐड हो जाएंगे, समान साइन है 4, और साइन कौन सा है, माइनस। a4 - a3, 2 - -2, 2 - -2, माइनस और माइनस प्लस, प्लस होने पर ये दोनों ऐड हो गए तो 4। a5 - a4, -2 और -2, साइन सेम है, समान साइन है 4, और जो भी साइन है वो ही आ जाएगा -4। तो इस श्रेणी में हमारा जो डिफरेंस है, एक बार प्लस आ रहा है, एक बार माइनस आ रहा है, एक बार प्लस आ रहा है, एक बार माइनस आ रहा है, तो सारे इनका जो अंतर है वो सेम नहीं है, तो क्या ये समांतर श्रेणी नहीं है। समांतर श्रेणी नहीं है, और जब समांतर श्रेणी नहीं है तो अपना पहला पद और सार अंतर होगा ही नहीं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका थर्ड। √2 √8 18 and 32। तो पहले तो हम इनका पता करते हैं कि समांतर श्रेणी में है या नहीं। कैसे करेंगे, a2 - a1, √8 - √2। √8 के हम फैक्टर्स करते हैं, 2 × 2 × 2 -√2। पेयर बनाओ, जोड़े बनाओ, रूट को हटाने के लिए जोड़े बनाते हैं, तो एक ही जोड़ा बन रहा है इसमें 2 का, तो और एक अलग से है, तो 1 2 तो अपना बाहर आ जाएगा,
और एक टू रूट में रहेगा माइनस रूट टू। और इसको सोल्व करते हैं, रूट टू अपन ने कॉमन निकाला, इधर से टू बचा, इधर से एक बचा, टू माइनस वन वन, वन इंटू रूट टू करेंगे तो रूट टू आएगा। नेक्स्ट करते हैं ए थ्री माइनस ए टू, क्या है ए थ्री, रूट एटीन माइनस ए टू क्या है रूट एट, रूट एटीन के अपन फैक्टर्स करते हैं, थ्री इंटू थ्री इंटू टू माइनस रूट एट के अपन ने फैक्टर्स किए थे टू रूट टू आया था, इसमें पेयर होना है, थ्री का पेयर बन रहा है तो थ्री बाहर आ गया और रूट टू अंदर माइनस टू रूट टू। इसको सोल्व करेंगे, रूट टू अपन ने बाहर लिया, तीन माइनस दो, तीन माइनस दो एक, एक गुणा रूट टू तो रूट दो ही आएगा। तो इस सॉल्यूशन को तो अपन ने ऐसे वैसे रहने दिया, लेकिन अपन इस सॉल्यूशन को हटा देते हैं, रूट टू यहां पे लिख देते हैं डायरेक्ट रूट टू। इसका याद रखना है कि आगे भी काम आएगा अपना थ्री रूट टू वाला। अब ए फोर माइनस ए थ्री देखते हैं, ए फोर क्या है प्लस थर्टी टू माइनस ए थ्री क्या है रूट एटीन। देखो थर्टी टू के फैक्टर्स करो क्या आएगा, टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, फाइव टाइम्स टू आया, दो पेयर बने और रूट एटीन का अपने पास क्या था थ्री रूट टू आया था, इसके दो पेयर होना है तो टू इंटू टू रूट टू माइनस थ्री रूट टू। सोल्व करने पर जाएगा फोर रूट टू माइनस थ्री रूट टू। आगे सोल्व करो, रूट टू हमने कॉमन निकाला तो फोर माइनस थ्री, फोर माइनस थ्री वन, वन इंटू रूट टू रूट टू, तो इसका क्या है अपने पास रूट टू। अब तीनों का जो अंतर है वो सेम आ रहा है, रूट टू आ रहा है रूट दो ही आ रहा है, तो अब क्या करेंगे कि ये तो समांतर श्रेणी में तो है, समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है तो पहला पद और सार्वांतर निकालना है, तो पहला पद क्या होगा रूट टू और सार्वांतर क्या होगा डी, वो भी अपना रूट टू आ रहा है सार्वांतर भी। ये क्वेश्चन नंबर वन तो हो गया, अब इसका हम क्वेश्चन नंबर टू भी देखते हैं, जिसमें अपने को पहला पद और सार्वांतर दिया हुआ है, तो अपने को श्रृंखला फाइंड करनी है, श्रृंखला याद करनी है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद ए व सार्वांतर डी दिया है तो उस श्रेणी के पहले तीन पद ज्ञात करो। अब हमको इस क्वेश्चन में क्या है कि पहला पद और सार्वांतर दिया हुआ है तो हमको श्रेणी के पहले तीन पद ज्ञात करने हैं। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए इक्वल टू जीरो पॉइंट सिक्स एंड डी इक्वल टू वन पॉइंट वन, पहला पद जीरो पॉइंट सिक्स एंड सार्वांतर वन पॉइंट वन दिया हुआ है, तो पहले तीन पद अपने को फाइंड करने हैं। तो ए वन तो अपना दिया हुआ है जीरो पॉइंट सिक्स, ए टू क्या हो जाएगा अपना ए वन प्लस डी, जीरो पॉइंट सिक्स प्लस वन पॉइंट वन इक्वल टू हो जाएगा अपना वन पॉइंट सेवन, ए थ्री हो जाएगा ए टू प्लस डी, ए टू अपन ने फाइंड कर ही लिया है, वन पॉइंट सेवन प्लस वन पॉइंट वन इक्वल टू टू पॉइंट एट, ए फोर ए थ्री प्लस डी, ए थ्री अपने निकाला था टू पॉइंट एट, डी अपने पास वन पॉइंट वन थ्री पॉइंट नाइन। ए फोर तक क्यों गए क्योंकि ए वन अपने को दिए हुए थे, पहले तीन पद अपने को निकालने थे टू थ्री एंड फोर, तो ए वन ए टू ए थ्री एंड ए फोर क्या है अपने पास जीरो पॉइंट सिक्स वन पॉइंट सेवन टू पॉइंट एट एंड थ्री पॉइंट नाइन, ये अपनी श्रृंखला आई। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए इक्वल टू इलेवन दिया हुआ है एंड डी इक्वल टू माइनस फोर दिया हुआ है, इक्वल टू इलेवन और डी इक्वल टू माइनस फोर, तो ए वन इक्वल टू तो क्या हो जाएगा अपना इलेवन, ए टू फाइंड करना है ए वन प्लस डी, ए वन क्या इलेवन प्लस माइनस फोर
माइनस और प्लस माइनस होगा, 11 माइनस 4 करेंगे तो आएगा अपना 7, A3, A2 प्लस D, A2 अपना 7 प्लस माइनस 4, माइनस प्लस माइनस 7 माइनस 4 किए तो 3, A4, A2 प्लस D इक्वल टू सॉरी A3 प्लस D इक्वल टू 3 प्लस माइनस 4, माइनस प्लस माइनस। अब जब अपन इसको सॉल्व करते थे आ जाएगा अपना 3 माइनस 4, सॉल्व करते हैं अपोजिट साइन है तो माइनस करेंगे तो 1, अब वेट इज किससे ज्यादा है 4 का, माइनस साइन है इसके, ये माइनस साइन आ गया माइनस 1। तो यहां अपनी श्रृंखला निकल गई है A1 A2 A3 एंड A4, क्या है अपना A1 11, A2 7, A3 3 एंड A4 माइनस 1, टेस्ट 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 टेस्ट, ये अपनी श्रृंखला है। ये क्वेश्चन सोल्व हुआ, हम मतलब इसमें सीख चुके हैं समांतर श्रेणी होती क्या है। अब हम एनवा पद या व्यापक पद की बात करते हैं। एनवा पद या व्यापक पद में क्या करते हैं कि या तो हम किसी जो समांतर श्रेणी दी गई है उसमें कोई एनवा पद ज्ञात करना है, या फिर हमको एक पद दिया होगा कोई उसका हमको टर्म पद पता करना है कि किस नंबर पे ये पद आता है। तो अपना इसका एक फॉर्मूला होता है an इक्वल टू a प्लस 1 n माइनस 1 इंटू d। तो इसी फॉर्मूले का हम इसमें यूज करेंगे। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि दी गई श्रेणी का 30वां पद ज्ञात करें, मतलब कि एनवा पद पूछ रहा है 30वां पद, श्रेणी दी है 10, 7, 4 डैश डैश डैश। तो करते हैं, तो हमारा फॉर्मूला क्या है इसके लिए, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। an अपने को फाइंड करना है, a अपने को दिया हुआ है 10, n पूछ रहा है अपने से 30वां पद फाइंड करना है, एंड d क्या होगा, सार अंतर दो पदों के बीच का, 7 माइनस 10 माइनस 3। चलो वैल्यू हम जो भी मान आए इस सूत्र में रख के देखते हैं, an इक्वल टू a क्या है प्लस 10 प्लस n 30 माइनस 1 गुणा माइनस 3, 10 प्लस इधर तो 29 बचे, इधर माइनस 3 बचे, इन दोनों को गुणा करना है आपस में तो करते हैं, 10 प्लस गुणा करने पे आएगा माइनस 87। जब इनको अपन आगे सॉल्व करेंगे तो 10 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 87। अब यहां पर अपोजिट साइन है, अलग अलग साइन है तो माइनस होगा, माइनस होगा तो 77 आएगा। अब क्षमता किसकी ज्यादा है, 87 की, तो साइन उसी का जाएगा। तो ये अपना क्या हुआ 30वां पद आया, क्या आया 30वां पद माइनस 77, श्रृंखला का 30वां पद माइनस 77। चलो इसका एक क्वेश्चन और देखते हैं जिसमें अपने वो पद दिया हुआ है, अब उसको हमको पता लगाना है कि वो कौन से नंबर पे आता है। क्वेश्चन दिया हुआ है समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद माइनस 81 है, तो वही फॉर्मूला लगेगा, an इक्वल टू a प्लस 1 a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब इसमें हमको क्या है कि an दिया हुआ है माइनस 81, a दिया हुआ है 21, n अपने को फाइंड करना है और d अपना हो जाएगा 18 माइनस 21 माइनस 3। चलो ये मान हम फॉर्मूले में रख के देखते हैं, an क्या है माइनस 81 इक्वल टू a क्या है 21 प्लस n अपने को निकालना है और d अपने पास है माइनस 3। 21 को हम इधर लेके जाते हैं, ट्रांसपोज करते हैं, माइनस 81 माइनस 21 n माइनस 1 एंड माइनस 3। माइनस किस की हुआ है, इधर प्लस का है, साइड चेंज किया हमने, इधर लेके गए तो माइनस 21 हो गए, साइन चेंज हो गया, इनको आपस में ऐड करेंगे तो माइनस 102, सेम साइन है तो ऐड हो जाएंगे और साइन वही आ जाएगा n माइनस 1। अब ये माइनस 3 है यहाँ पे, यहाँ मल्टीप्लाई में यहां से इधर जाएगा ये डिवाइड होगा, तो माइनस 3 से इसको डिवाइड किया तो माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा अपने पास 34 टाइम्स इक्वल टू n माइनस 1। अब माइनस 1 को हम उधर लेके जाएंगे,
तो अपन इसको इधर लिख लेते हैं, 34 प्लस 1 हो जाएगा और 35। तो हमारा जो ये माइनस 81 है वो कौन सा पद है? 35। 35वां पद अपना कौन सा है? माइनस 81। इस तरह से हमारा एनवा पद या व्यापक पद कंप्लीट हो गया। इसका एक और क्वेश्चन है जिसमें हम इक्वेशन वाला समझेंगे कि इक्वेशन बनाई जाएगी, तो उसको भी कर लेते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा पद में 17वां पद क्रमशः 19 व 41 है तो 40वां पद याद करें। हमको छठा पद दिया हुआ है, 17वां पद दिया हुआ है, 40वां पद हमने भी निकालना है। तो देखते हैं कि पहले तो छठा पद क्या होता है। E6 इक्वल टू, तो An इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D वाले ही फॉर्मूला लगेगा अपना। देखें An मतलब कि E6 A प्लस 6 माइनस 1 इंटू D। A6 इक्वल टू क्या जाएगा? 6 प्लस 6 माइनस 1 5D और इक्वल टू अपने पास क्या है ये 19। अब A17 का देखते हैं, A प्लस जब यहाँ पे 6 पर टर्म है अपने पास छठा पद है तो 5D आ रहा है, तो यहाँ पे 17 के लिए 16D इक्वल टू 41। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण इक्वेशन 1 व 2 से क्या करेंगे देखते हैं। समीकरण 1 क्या है? A प्लस 5D इक्वल टू 19 और 2 क्या है? A प्लस 16D इक्वल टू 41। साइन चेंज करते हैं, A से A कैंसिल, माइनस 16D और प्लस 5D, 16 करेंगे तो माइनस 11D। क्यों आया? 16 और 5 दोनों के साइन अलग अलग है, माइनस और प्लस, तो माइनस होगा और जिसकी ज्यादा क्षमता है वही वाला साइन आ जाएगा। माइनस 41 और 19 इन दोनों को सोल्व करेंगे तो अपोजिट साइन है, माइनस होगा, माइनस का होके क्या आएगा? 22 और क्षमता वाला साइन, तो डी इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा? माइनस 22 बटा माइनस 11 इक्वल टू 2। माइनस से माइनस कैंसिल, 11 से 2 बच जाएगा 2। डी इक्वल टू अपने पास क्या आया? 2। अब क्या करेंगे? डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में डी का मान रखते हैं, ए प्लस 5D इक्वल टू 19, ए प्लस 5D क्या है? 2 19, 5 दूनी 10, तो प्लस 10 19, तो ए इक्वल टू 19 माइनस 10 9, तो ए इक्वल टू अपने पास क्या आया? 9 आया। इक्वल टू अपने पास 9 आ गया। अब अपने को क्या निकालना है? 40वां पद, तो कैसे निकालेंगे? ए 40 इक्वल टू ए प्लस, फॉर्मूला वही है, एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन इक्वल टू, तो ए 40 प्लस ए अपने पास क्या है? 9। 40वां निकालना है, 40 माइनस 1, डी अपने पास क्या आया था? 2। सोल्व करते हैं, ए 40 इक्वल टू 9 प्लस 39 गुणा 2, सॉल्व किया 9 प्लस 39 गुणा 2 करेंगे 78 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 87। तो ए 40, 40वां पद अपने पास क्या आया? 87। यही हमारा आंसर है। इस तरह से हमारा एनवा पद या व्यापक पद तो खत्म हो गया। अब हम करेंगे एन पदों का योग, जिसमें हमारे दो फॉर्मूले हैं, एन अपॉन टू ए प्लस एल एंड एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए प्लस एल वाला फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे? जब हमको फर्स्ट पद और लास्ट पद अपने को दिया हुआ है, और ये वाला हम कब करेंगे? जब हमको लास्ट पद नहीं दिया हुआ है तब ये वाला यूज करेंगे। तो करते हैं इसको भी सोल्व। एन पदों का योग अपन पढ़ रहे हैं। अब समांतर श्रेणी का योगफल याद करें, अपने को समांतर श्रेणी दी हुई है 1, 3, 5, 7 डैश डैश डैश। कहां तक अपने को योगफल याद करना है? 12 पदों तक योगफल याद करना है। तो अपने को इसमें फर्स्ट टर्म दी हुई है लेकिन लास्ट टर्म नहीं दी हुई, लास्ट टर्म नहीं दी हुई है, लास्ट पद नहीं दिया हुआ, तो अपन ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, नीचे वाला। तो नीचे वाला फॉर्मूला क्या है? एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू टू ए प्लस
एन माइनस वन इंटू डी। अब एस एन तो अपने को फाइंड करना है, मतलब कि एस ट्वेल्व अपने को फाइंड करना है, सम ऑफ 12 पद, 12 पदों का योग अपने को फाइंड करना है। एन अपने को 12 दिया हुआ है, ए हो गया 1, एन 12 हो गए, और डी डी आएगा 3 माइनस 1 या 5 माइनस 3 या 7 माइनस 2, 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। चलो वैल्यूज रखते हैं, एस 12 इक्वल टू 12 बटा 2, 2 गुणा 1 प्लस 12 माइनस 1 गुणा डी, 2 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 6, 2 प्लस 12 का माइनस 1 11, 11 दूनी 22, तो 6 गुणा 22 प्लस 2 कितने हुए 24, और 24 से इसको अपन गुणा करते हैं, 144 आंसर। किसी समांतर श्रेणी का पहला व अंतिम पद क्रम से है 17 व 350 है, यदि सार्वंतर 9 हो तो श्रेणी में पदों की संख्या व उनका योग ज्ञात करें। तो पहले तो हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है, समांतर श्रेणी में कितने पद हैं, तो पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू t। तो a n अपने को क्या दिया हुआ है 350, a अपने को क्या दिया हुआ है 17, n अपने को ज्ञात करना है और d अपने को क्या दिया हुआ है 9। चलो करते हैं, ए एन 350 इक्वल टू ए 17 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 9, 17 को इधर लेके जाएंगे, 350 माइनस 17 प्लस इक्वल टू एन माइनस 1 गुणा 9, इसको अपन ने माइनस किया तो 333 इक्वल टू एन माइनस 1, 9 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड करेगा इसको, और जब इसको डिवाइड किया तो n माइनस 1 डिवाइड करने पर कितना आएगा 37, तो n इक्वल टू माइनस 1 इधर आ जाएगा तो 37 प्लस 1 38, n अपने पास क्या आया 38, अब 38 अपना n आ गया तो अब हम सम निकालते हैं, इनका योग निकालते हैं कितना आएगा, एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला या ये वाला, ये वाला यूज करेंगे, इस वाले से भी आ जाएगा अपना, तो लेकिन अपन ये वाला यूज करेंगे, अपने को फर्स्ट पद और लास्ट पद दिया हुआ है a प्लस एल, एस एन इक्वल टू एन क्या है 38, 38 बटा 2 a प्लस एल, a प्लस एल करो 17 प्लस 350, एस एन इक्वल टू 19, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 367, अब मल्टीप्लाई करना है 367 गुणा 19 करो, 19 सात है 133, 3 13 कैरी 19 की 114, 114 प्लस 13 127, 12 अपना कैरी, 19 की 57, 57 प्लस 12 69, तो अपना आंसर क्या आया एस एन इक्वल टू 6973, एस एन मतलब की एन 38, और जो योग आया अपना श्रेणी का वो क्या आया 6973, 6973, यही अपना आंसर है, और इस क्वेश्चन के साथ अपना चैप्टर भी खत्म हो गया। थैंक यू।